नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन भारत और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। इस लॉकडाउन और कोरोना काल के बीच में जहां सब लोग अपने घर में रह रहे हैं, कोई गतिविधियां जो हैं वो सामाजिक आर्थिक बहुत कम हो गई हैं, वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो गलत घटनाओं को अंजाम देने से नहीं चूकते। जी हां, वैशाली के एक गांव से एक ऐसी ही घटना की रिपोर्ट आई है। आपको दिखाने से पहले हम बता दें कि जिस लड़की का अपहरण हुआ है वो नाबालिग है और उसकी माँ जो है चिट्ठी लिख लिख के थक गई है, सूचना दे दे कर थक गई है। तब जाकर उसने वैशाली के एसपी को पत्र लिखकर अपनी बेटी की बरामदगी और उसकी सुरक्षा की गुहार लगाई है। क्या है ये पूरी रिपोर्ट, आपको दिखाते हैं। सर, हम रूबी कुमारी बोल रहे हैं, तिरछा बीरन पंचायत से, 2 नंबर वार्ड से। सर, हम सर रोज की तरह सोच करने जा रहे थे, उसके बाद एक लड़का आया और आने के बाद मेरा छोटी बहन था 11 बरस का, वो उसको छेड़छाड़ करने लगा। हम बोले तो हमको गिरा के मार के गिरा दिया, उसके बाद बाइक पर उठा के वो भाग गया। तो हम हल्ला किए तो सर गाँव वाला बोला कि तो सुनवा, सहसा वाला सुनवा है। उसके बाद 2 दिन वो है रात के हम से गए FIR किए। FIR करने के बाद थाना को एको बेर थाना यहाँ पर नहीं आया, कोई सुनवाई नहीं ले रहे हैं। वो 11 बरस का है, कुछ हो जाएगा तो थाना क्या कर पाएगा। वो फिर गए तो प्रशासन बोले सुनील कुमार कि हम अपना तरीका से काम कर रहे हैं, प्रशासन से पंगा लेगा तो बुरा होगा। तो फिर हमसे चलाए, फिर गए, फिर यह बात बोले। उसके बाद सोनू का बाप जो है टुनटुन सिंह फोन करने लगा और बोला कि केस वापस ले लो ना तो तुम्हारा लड़की का जान मार देंगे और उसके बाद तुम्हारा भाई की जान मार देंगे। 70 सर गुहार लगा दिए। उसके बाद हम सब एसपी लगुन गए तो सर बोले कि आपका काम हो रहा है। उसके बाद बारा बाबू को फोन किए, बारा बाबू के दांत पेट किए तो फिर भी बारा बाबू सुन नहीं रहे हैं। सुनने के बाद पुलिस प्रशासन से क्या लग रहा है कि आपको मदद मिल रही है, मिलेगा? वो तो उम्मीद नहीं है, फिर भी हम सब उम्मीद कर रहे हैं। सर, प्रशासन नहीं होगा बारा बाबू से तो ऊपर जाएंगे, डीजीपी के पास जाएंगे। उसके बाद नहीं, डीजीपी भी कुछ नहीं कर पाएंगे तो हम सब आत्महत्या कर लेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रूबी कुमारी। तो आपने देखा, आज भी बेटियों का अपहरण और उनके साथ जो बदसलूकी की घटनाएं हैं वो बिहार में कम नहीं हो रही हैं। अब आप सोच सकते हैं कि एक माँ बाप पे क्या बीतती होगी जब उसकी बेटी हफ्ते दिन से अपहरण हो गई है और उसकी खोज पुलिस अभी तक नहीं कर पाई है। बहरहाल, इस खबर पर भी पूरी जानकारी के साथ हम जुटेंगे, लेकिन नेशन भारत चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और यदि कोई सलाह हो तो हमें अवश्य लिखें। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।